अच्छे हो। और आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। वो जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे, जैसे कि हम लोग जब टोटल इनकम निकालते हैं यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम के टोटल टैक्सेबल इनकम, उस टाइम पे ये चैप्टर का जो एलिमेंट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो यूज़ करके हम लोग को टोटल इनकम निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर नहीं सीख के अगर हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं तो कुछ गड़बड़ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हम पहले टोटल इनकम चैप्टर करने से पहले ये चैप्टर को कराना चाहते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को हेल्पफुल हो। सबसे पहले ये चैप्टर का बात बोलने से पहले कुछ बात बोलते हैं। अच्छा, ये चैप्टर सेक्शन है 70 to 80, ठीक है ना, 70 to 80। वैसे 80 सी से 80 यू में जो सेक्शन है वो अलग चैप्टर का है, मगर उस चैप्टर का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर आ जाता है। क्यों आता है वो भी हम लोग देखेंगे। बात कर ले, हम लोग के पास जो हेड ऑफ इनकम होता है वो 5 इनकम होता है, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, 2 नंबर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3 नंबर इनकम फ्रॉम PGBP, 4 नंबर इनकम फॉर्म कैपिटल गेन एंड 5 नंबर इनकम फॉर्म अदर सोर्स। ये 5 इनकम होता है। अब बात को समझो कि चैप्टर सेटअप का मतलब क्या है। इस चैप्टर में जो सेटअप बोला है कैरी फॉरवर्ड तो बात क्या बात है, मगर सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर समझना पड़ेगा कि सेटअप क्यों बोला है, सेटअप का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो सेटअप का मतलब होता है नेट, यानी के नेट करना कोई चीज के साथ, कोई चीज का नेट करना। यानी के मान लो के हम किसी से 10 रुपए पाएंगे, हम वही बंदे को 6 रुपए देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 रुपए को किसी को उधार दिए मिस्टर एक्स को, और एक से हम लिए थे 6 रुपए उधार हमने, तो क्या हम उसको 6 रुपए पेमेंट करेंगे? क्या वो मुझको 4 रुपए पेमेंट करेगा या 10 रुपए पेमेंट करेगा? नहीं, हम उसको एक्चुअली बोल देंगे कि भाई देखो, तुमको तो हमको देना चाहिए था 10 रुपए और हम तुमको देते 6 रुपए, तो अल्टीमेट तुम मुझको खाली 4 रुपए दे दो। एक्चुअली अमाउंट 4 रुपए दे दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर तुम 10 रुपए मुझको दोगे और फिर हम तुमको 6 रुपए देंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेट मेरे हाथ में कितना रिसिप्ट होगा, 4 रुपए ही तो रिसिप्ट होगा, तो वही 4 रुपए मुझको तुम दे दो। और ये जो 4 रुपए हम बोल पाए कि तुम लोग भी समझ पाए, ये 4 रुपए को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ करना या नीट करना। आज समझ में आया, यानी कि नीट और सेट ऑफ का मतलब एक ही होता है। अब दूसरी बात में आ जाए कि ये चैप्टर में हम लोग को सेट ऑफ करने का रीजन क्या है। देखो बहुत ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास सैलरी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम है 10 लाख, हम जो जॉब करते हैं और एज ए एम्प्लॉय है, तो मुझको जो सैलरी रिसीव हुआ ईयरली वो है 10 लाख। ओके सर, मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, मतलब मेरा 2 घर है, 2 हाउस है, उस 2 हाउस में से 1 हाउस हम तो रहते हैं और बाकी और 1 हाउस में हम लेट आउट देते हैं। अब उसका इनकम तो नहीं आया मगर उसका लॉस आ गया 2 लाख का। सर अगर इनकम हो जाता तो, इनकम हो जाता तो मुझको 12 लाख के ऊपर हमको टैक्स देना था। सर अब तो लॉस आ गया, तो अब हमको क्या करना है, क्या हमको जो हमको टैक्स फाइल करना है वो क्या ये 10 लाख के ऊपर होगा कि 8 लाख के ऊपर होगा? बोलो, क्या ये 10 लाख के ऊपर हम टैक्स फाइल करेंगे कि 8 लाख के ऊपर? सर 8 लाख के ऊपर, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि मैंने 2 लाख का लॉस भी तो किया। बात समझ में आया, यानी कि ये 8 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। ये 2 लाख को हम लोग क्या किए, सेट ऑफ किए, यानी कि ये 8 लाख मेरा
टैक्सेबल इनकम हो गया, इसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को अगर हम लोग दूसरे बात से भी देखें कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी मेरा टू, दो घर है हम बोले थे। पहला घर से मेरा एक लाख का प्रॉफिट आया था, ठीक, एक लाख का प्रॉफिट आया था, और दूसरे घर से मेरा तीन लाख का लॉस हुआ, तो मेरा नेट लॉस कितना हुआ सर? दो लाख का, क्योंकि दो लाख हमने जो लॉस कमाए, लॉस को तो कमा नहीं सकते, लॉस को बर्डन बोलते हैं, तो लॉस जो मेरा बर्डन हुआ वो कहां से आया? एक लाख मेरा एक घर से प्रॉफिट हुआ था और तीन लाख मेरा दूसरे घर से लॉस हुआ था, तो नीट इंपैक्ट हो गया मेरा दो लाख का। अब बात को समझना, ये दो लाख यहां पर इंपैक्ट हुआ, सही। अब तुम लोग समझो कि नहीं समझो, मगर एक चीज इसमें हो गया बाय डिफॉल्ट, क्या है कि इसमें ये जो हुआ, ये जो इफेक्ट हुआ, इसका जो नीट इफेक्ट हुआ हाउस क्वालिटी के साथ हाउस क्वालिटी का, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा इंट्रा हेड सेटअप। इंट्रा मतलब होता है अपना घर से, यानी कि हाउस क्वालिटी के साथ हाउस क्वालिटी का इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है अपना, ठीक। और ये जो सेटअप हुआ ये हो गया इंटर इंटर हेड सेटअप, यानी कि तुम लोग मतलब समझ के बोले कि ना समझ के बोले, फिर भी तुम लोग ऐसा सही दिए कि पहले घर से मेरा पहला केस क्या था कि 10 लाख हमने सैलरी से अचीव किए थे और 2 लाख मेरा हाउस क्वालिटी से लॉस हुआ था, दैट्स व्हाई मुझको टैक्स प्रोफाइल करना पड़ेगा, वो मुझको 8 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, सही। और दूसरा केस तुम लोग ही बोले कि अगर मेरा एक घर से 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे घर से मेरा 3 लाख का लॉस हो रहा है, तो मेरा नेट लॉस कितना हो रहा है? 2 लाख का। तो वो जो हाउस क्वालिटी के साथ हाउस क्वालिटी का सेटअप हुआ वो मेरा इंट्रा हेड सेटअप हुआ, इंट्रा ट्रा, और ये जो सेटअप हुआ सैलरी के साथ हाउस क्वालिटी का, जो नीट इंपैक्ट आया जब हम लोग टैक्स पे करेंगे तब हम लोग को सेटअप को बोला जाता है इंटर हेड सेटअप। बात समझ में आया? दो अलग अलग बात। तो यही चीज है हम लोग का इस चैप्टर में, अभी तक हम लोग सेटअप में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका अभी फुल्ली डिस्क्लोजर से समझाया। गौर से देखना, मेरा टोटल इनकम कितना हो सकता है? 5। क्या क्या? एक होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है अदर सोर्स। ये 5 इनकम होता है, मैक्सिमम। अब सोच के देखो, ये 5 इनकम में से हम लोग जब सेटअप करेंगे तब किसका लॉस होगा किसका लॉस नहीं होगा? सर 5 इनकम का लॉस हो सकता है? गलत। सैलरी का कभी लॉस नहीं हो सकता। सोच के देखो सैलरी का कैसे लॉस होगा? सैलरी तुमको मिल रहा है, यानी कि तुम काम कर रहे हो तो तुमको सैलरी मिल रहा है, तुम काम नहीं कर रहे हो तुम जॉब छोड़ दिए, जॉबलेस हो, सैलरी नहीं मिल रहा, लॉस कैसा? सही, हम लोग का इंडिया में बहुत लोग काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या सबका लॉस चल रहा है? नहीं, लॉस तो तब होगा जब कुछ वो प्रॉफिट कमाएगा, तो सैलरी से कोई लॉस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, नेवर एनी, एंड कभी सैलरी नेगेटिव में जा भी नहीं सकता।
यानी कि सैलरी का तो कभी भी लॉस नहीं होगा, यानी कि उसका हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा हमेशा, उसका कभी हो ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। पीजीबीपी का अगर हम लोग लॉस प्रेडिक्ट करने चाहे तो दो बात होगा। पहला बात कि पीजीबीपी में दो पार्ट होता है, एक होता है नॉर्मल बिजनेस, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस मतलब क्या, जैसे कि टेक्सटाइल बिजनेस, गारमेंट बिजनेस एक्सेट्रा, जो नॉर्मल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। स्पेकुलेटिव मतलब क्या, किसी को, किसी का पैसा तुमने मार दिए और उसको फिजिकली वो गुड्स शायद उसको ना दिए, जैसे कि शेयर्स बाजार में होता है। बिजनेस कर रहे थे मगर बिजनेस में जो डिलीवर था, मान लो कि किसी को तुमने गुड्स, किसी का तुमने गुड्स ऑर्डर लिए, 10 लाख का गुड्स ऑर्डर लिए, अब वो तुमको 50,000 का एडवांस दे दिया और वो बोला कि 1 हफ्ता के अंदर डिलीवर देना, तुम बोले हाँ, मतलब हम बोले हाँ, और उसको हम 1 हफ्ता के बाद डिलीवर नहीं दिए, ये बात का बात है कि वो मुझको केस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो अलग बात है, टैक्स वो सब नहीं बोल रहा है। टैक्स बोल रहा है कि ये जो तुमने 50,000 कलेक्शंस कर लिए और वो जो 50,000 गवा दिया, वो उसका स्पेकुलेटिव लॉस हुआ, तुम्हारा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हुआ, क्योंकि तुमने तो गुड्स उसको डिलीवर किया ही नहीं, मगर बिजनेस रिलेशंस में था, बिजनेस ही था ना, तभी ना तुमको वो ऑर्डर दिया था। बस समझ में आ रहा है। सो दैट इज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉर्मली ये शेयर्स बाजार में होता है ज्यादा। कैपिटल गेन का भी दो पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके सर। अदर सोर्स का भी दो पार्ट होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है हॉर्स रेस। नॉर्मल मतलब जैसे कि इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, एग्रीकल्चरिंग, जो भी हम लोग चैप्टर अदर सोर्स हम लोग चैप्टर सीखे भी थे, और हॉर्स रेस का भी हम लोग इंपैक्ट देखे थे। हॉर्स रेस, मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, इसका भी इंपैक्ट देखे थे। ठीक, अब इसको हम लोग अगर बात करें तो बात को समझना। हाउस प्रॉपर्टी का भी दो हो सकता है, एक मान लो कि हाउस वन है, हाउस टू है, ठीक है ना, मान के चलो। अब अगर हाउस वन में लॉस हुआ है, ठीक, लॉस हुआ है, तो वो लॉस सेटअप हो सकता है हाउस टू के साथ। टिक का मतलब सेटअप हो सकता है। मान लो कि हाउस टू का जो लॉस है वो हाउस वन के साथ भी सेटअप हो सकता है। ठीक, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट है तो सेटअप हो सकता है, बट स्पेकुलेटिव में लॉस है, नॉर्मल बिजनेस में सेटअप नहीं हो सकता। मतलब स्पेकुलेटिव लॉस कैन नॉट बी सेटअप विद द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। गॉट इट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हुआ है तो सेटअप हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म गेन में लॉस हुआ है तो सेटअप नहीं हो सकता।
ये सब हो रहा है क्या इंटर क्या इंट्रा, ये इंटर हो रहा है क्योंकि देखो हाउस वॉरी के साथ हाउस वॉरी के बाद चल रहा है, पीजीवी के साथ पीजीवी का, कैपिटल गेन के साथ कैपिटल गेन का, अदर सोर्स के साथ अदर सोर्स का। तो ये इंट्रा हेड सेटअप चल रहा है अभी, इंट्रा हेड सेटअप का सेक्शन है यहाँ पर लिख दे रहे इंट्रा हेड सेटअप का सेक्शन है 70, ठीक है इंट्रा हेड सेटअप का है 70। चलो नॉर्मल बिजनेस का लॉस हॉर्स रेस के साथ सेटअप नहीं हो सकता, नॉर्मल बिजनेस बोल रहा है, नॉर्मल जो अदर सोर्स है, नॉर्मल जो अदर सोर्स मतलब लाइक इंटरेस्ट रिसीव वगैरह वगैरह, वैसे सोच के देखो अदर सोर्स में लॉसेस का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे कि तुमने एक लॉटरी खरीदे 10 रुपए का, तुमने जीते नहीं तो क्या तुम लॉस बोल सकते हो उसको? नहीं। और जीत भी जाते तब उसको एक्सपेंस भी नहीं बोल सकते हम लोग, अदर सोर्स में पढ़े रिमाइंडर होगा। कार्ड गेम खेल लो पत्ता हार गए बोल सकते हो? नहीं, सेटअप नहीं हो सकता। कॉज और पजल नहीं, इंटरेस्ट रिसीव लॉस ही नहीं है, डिविडेंड रिसीव इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं होता अंडर सेक्शन 1034, सही। तो यहां पर जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस हम लोग बोल रहे हैं वो लॉस बहुत कम ही चांस होगा कि लॉस हुआ, लॉस होता ही नहीं है मोस्टली, मगर फिर भी हम दिखा दिए कि अगर लॉस होता है तब भी हॉर्स रेस का लॉस प्रॉफिट के साथ सेटअप नहीं हो सकता, और अगर हॉर्स रेस में लॉस हो गया तो ये भी उसको सेटअप नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई हम तुम मुझको सेटअप नहीं कर रहा, हम तुमको सेटअप क्यों कर, सिंपल बात है, ठीक है ना, लॉजिकल है। तो ये बात बोल रहा है, ये हो गया इंट्रा हेड सेटअप। दूसरी बात में आते अब हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर हेड सेटअप, इंटर हेड सेटअप इसका सेक्शन है 71। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा, मान लो कि ये सेटअप होके, मान लो कि ये सेटअप होके लॉस आया, अच्छा प्रॉफिट आता है तो सर प्रॉफिट कोई भी घर से आता है तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो टेंशन, प्रॉफिट किसी के साथ भी किसी के साथ ऐड हो सकता है, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव पर्सन को हम लोग लेना चाहते हैं, नेगेटिव पर्सन को हम लोग दूर रखना चाहते हैं, सही है ना। मगर आपस में क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि फैमिली में कोई पॉजिटिव होता है पर्सन कोई नेगेटिव पर्सन होता है, तो क्या फैमिली नेगेटिव पर्सन को दूर कर देता है? फिर भी तो एडजस्ट कर रहा है उसके साथ रहता है सही है ना लॉजिक। तो अगर हम लोग इंट्रा हेड का बात करें, यानी कि अभी अपना घर का सेटअप हो चुका, अभी वो बोलो बाहर जा रहा है, तो बाहर में ऑब्वियसली हर पर्सन तो नेगेटिव पर्सन को लेना नहीं चाहेगा और हर पर्सन नेगेटिव के साथ एडजस्ट भी करना नहीं चाहेगा, मगर पॉजिटिव कोई भी जगह में वो एडजस्ट कर हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉजिटिव पर्सन के साथ। अब आपको समझना कि ये जो लॉस हो रहा है हाउस पार्टी का, ये सेट ऑफ हो सकता है, ये सेट ऑफ हो सकता है सैलरी के साथ, ये सेट ऑफ हो सकता है सैलरी के साथ। इसका सेक्शन क्या बोल रहा है, इसका सेक्शन बोल रहा है 71B, सेक्शन 71B में बोला है कि अगर हाउस पॉवर्टी लॉस
इंट्रा हिट करने के बाद अगर फिर भी लॉस बच जा रहा है तो वो सैलरी के साथ एडजस्ट हो सकता है और किसी भी घर के साथ वो एडजस्ट हो सकता है, नॉट ओनली वो सैलरी के साथ, किसी भी घर के साथ एडजस्ट हो सकता है। मगर अमेंडेड हुआ इसमें मैक्सिमम सेट ऑफ इस रुपीस 2 लाख, यानी के ये अमेंडेड हुआ इस साल 2020 और 2021 के हिसाब से के 2 लाख तक ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है और कोई भी मैक्सिमम लिमिट पहले नहीं था, पहले कोई हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम लिमिट नहीं था, अभी से कर दिया कि 2 लाख तक ही कर सकता है। अच्छा, अपना घर के साथ अपना घर का मैक्सिमम कितना, अपना घर के साथ अपने का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इंफिनिटी। हाउस वन का प्रॉफिट आया मान लो के 50,000, लॉस आया 90 लाख, तो भी सेटअप हो सकता है, तो भी सेटअप हो सकता है, 89,50,000 लॉसेस हो सकता है, सही। दूसरा तो हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम सेटअप कोई भी घर के साथ 2 लाख तक ही कर सकता है। पीजीबीपी का, पीजीबीपी का जो लॉस है, देखो स्पेकुलेटिव लॉस किसी के अपना घर के साथ छोड़ के कोई भी, मतलब पीजीबीपी का दो पार्ट है, नॉर्मल स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव लॉस खाली स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ ही हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस के साथ ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी जगह में कैसे इंपैक्ट होगा, दूसरी जगह यानी कि वो अपने घर पे उसका इज्जत नहीं है तो दूसरे जगह में उसका इज्जत क्या होगा, तो डेफिनेट का बात है कि दूसरी जगह में इंपैक्ट नहीं हो सकता। पीजीबीपी का जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस ये कहां पर इंपैक्ट हो सकता है, ये कोई भी जगह में इंपैक्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी इनकम में उसका इंपैक्ट नहीं हो सकता, मतलब सैलरी के साथ पीजीबीपी का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सर क्यों, क्योंकि जैसे कि सैलरी किसी को मिल रहा है और वो बिजनेस भी कर रहा है, ये पर्सन तो बहुत कम ही मिलेगा, और अगर ऐसा पर्सन मिल भी जाए तो तुमको गवर्नमेंट क्यों छूट देगा, क्योंकि अगर तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको सैलरी मिल रहा है और सैलरी से तुम कमा ले लो अच्छा खासा, और जो तुम बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस से तुम्हारा लॉस आ रहा है और तुम ईच एंड एवरी ईयर में सैलरी के साथ सेटअप कर रहे हो और सैलरी का जो इनकम है वो थोड़ा थोड़ा करके गिर जा रहा है, हर साल गिर रहा है, ठीक। तो सैलरी से जो इनकम आ रहा है वो तो कभी भी टैक्सेबल नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट अमाउंट से, हमेशा मतलब रिड्यूस अमाउंट के ऊपर ही टैक्स होगा, यानी कि तुम टैक्स को वायलेट कर रहे हो, टैक्स चोरी कर रहे हो, तो इसलिए कभी भी नेवर एंड नेवर हाउस प्रॉपर्टी सॉरी पीजीबीपी का लॉसेस, नॉर्मल लॉस का बात कर रहे, स्पेकुलेटिव का नहीं, स्पेकुलेटिव तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, नॉर्मल बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है मगर सैलरी के साथ नहीं। ओके, ये कहां पर बोला है, ये बोला है सेक्शन 72 में, और स्पेकुलेटिव के बारे में कहां पर बोला है, अंडर सेक्शन 73 में, ठीक है। कैपिटल गेन में आ जाए, कैपिटल गेन में क्या था कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट शॉर्ट टर्म लॉस के साथ एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है मगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो सेटअप नहीं हो सकता, यानी कि लॉन्ग टर्म सेटअप कर सकता है मगर शॉर्ट लॉन्ग टर्म को सेटअप कोई नहीं कर सकता। अब तुम लोग सोचो कि लॉन्ग टर्म अगर लॉस आया है तो वो अपने ही घर पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो दूसरे घर में क्या एडजस्ट होगा, वैसे ही स्पेकुलेटिव के जैसा, यानी कि ये अपना ही घर में सेटअप हो,
और यह कौन सा सेक्शन में लिखा है, 74 में बोला है, असिमिलेटी शॉर्ट टर्म लॉसेस। अगर मान लो कि शॉर्ट टर्म लॉस आया है 2 लाख और कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म आया है मान लो कि 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तो सेटअप कर सकता है मैक्सिमम। शॉर्ट टर्म लॉस आया है 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आया है 1.5 लाख, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1.5 लाख शॉर्ट टर्म लॉस को सेटअप कर सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना 1.5 लाख तक ही, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख। तो 50,000 शॉर्टफॉल हुआ ना, तो 50,000 शॉर्टफॉल कहां पर इंपैक्ट होगा, उसी घर में नेक्स्ट ईयर के साथ, क्योंकि अपना ही घर में वो 1.5 लाख तक एडजस्ट कर पाया तो दूसरे घर उसको क्यों देगा। ठीक, तो लॉन्ग टर्म लॉस कोई भी घर के साथ, कोई भी घर के साथ नहीं कर सकता। वैसे पीजीबीपी का लॉस तो तब की चलो हाउस वाली के साथ एडजस्ट हो सकता, सैलरी के साथ नहीं हो सकता, मगर कैपिटल गेन का जो लॉस होगा वो कोई भी घर के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरे पार्ट में आ जाए, नॉर्मल का तो प्रॉफिट ही होता है, नॉर्मल अदर सोर्स का नॉर्मली इनकम ही होता है, प्रॉफिट ही होता है, लॉस होने का चांसेस नहीं होता। हॉर्स रेस का अगर लॉस हो गया तो भी दूसरे घर से सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोच के देखो जब हम लोग इंट्रा हेक सेटअप कर रहे थे तभी हाउस और हॉर्स लॉसेस का हॉर्स लॉसेस के साथ ही सेटअप हो सकता था, वो अपना ही घर का नॉर्मल लॉस के साथ सेटअप नहीं हो पा रहा था, तो हाँ हॉर्स लॉसेस का जो लॉस बच जाएगा वो दूसरे घर में बाद में एडजस्ट कैसे हो पाएगा, अपने ही घर में इज्जत नहीं तो दूसरे घर में क्या इज्जत मिलेगा उसको, सिमिलरिटी ऑफ स्पेकुलेटिव लॉसेस। तो ये कौन सा सेक्शन इसमें लिखा है, ये लिखा है सेक्शन 74B में। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये था इंट्रा हेक सेटअप, यहां पर भी लिख दे रहे वैसे ऊपर में लिख दिए थे इंट्रा हेक सेटअप अंडर सेक्शन 70, और ये था इंटर हेक सेटअप अंडर सेक्शन 71। ठीक है, ये केस था अपना अपना घर में और ये केस था दूसरे दूसरे का घर में। ठीक है, अब ये पूरा चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा और यही चीज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये तो हमने खाली समझाने के लिए हम बोले ऐसा, मगर इसका हम अच्छा से एक फॉर्मेट देके समझा दे रहे, मतलब लिखा दे रहे, समझा दिए वहां पर लिखा दे रहे प्रॉपरली कि किसके साथ कैसे हो पाएगा, ये जस्ट हम समझाने के लिए बोले। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट ओवरऑल हम बोर्ड में लिखा दे रहे। चलो, हमने ये पूरा फॉर्मेट लिख लिया, जैसे जैसे हम बोले थे वैसे ही लिखे, खाली एक अच्छा प्रेजेंटेशन से। तो सबसे पहले एक बार देख लो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में ये घर जो है वो सोर्स का है, ये इंट्रा हेड सेटअप, इंट्रा मतलब अपना अपना हेड, इंट्रा हेड सेटअप सेक्शन 71, और यहाँ पर इंटर हेड सेटअप मतलब ये दूसरे जो हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है, इसमें स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है क्योंकि अलग अलग केस के लिए अलग अलग सेक्शन है। ओके, और ये कैरिड फॉरवर्ड, अगर कैरिड फॉरवर्ड होता है तो हमको कितने साल तक वो लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो बोला है। एक एक करके देखें तो सोर्स, पहला सोर्स क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कोई लॉस नहीं होता, तो ये इंटर हेड सेटअप का कोई बात ही नहीं होगा, ऑब्वियसली इंटर हेड सेटअप का तो बात भी नहीं होगा, और इसमें कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं होता। ठीक है सर, हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो पहले इंट्रा हेड में मतलब अपना हेड के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, ऑब्वियसली अपना हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी का हेड, तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड में जो सेटअप होगा उसका सेक्शन 71 ही है, उसमें कोई केस नहीं है। इंटर हेड यानी कि ये लॉस अगर मेरा एडजस्ट होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाउस 1 से आया 100 रुपये का प्रॉफिट और हाउस 2 से आया 150 रुपये का लॉस, तो ये 50 रुपये लॉस होगा ना, अभी भी बच जा रहा है, तो ये 50 रुपये लॉस कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, सैलरी के साथ, पीजीबीपी के साथ, मगर
बट मैक्सिमम लिमिट कितना है 2 लाख का, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता सर। 2 लाख के बाद अगर रह गया तो 2 लाख के बाद रह गया तो 8 साल तक वो लॉस को सेटअप कर सकता है सर। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल हाउस पॉवर्टी से ऐसे दिखा दे रहे हैं, हाउस वन से प्रॉफिट आया था 5 लाख का, हाँ सर, और हाउस टू से लॉस आया मान लो के 8 लाख का, ओके। पहला तो एडजस्ट हो जाएगा, पहला तो इंट्रा हेड सेटअप में अपना अपना घर में एडजस्ट हो जाएगा। पहले का प्रॉफिट आया, दूसरे का लॉस आया, यानी कि 3 लाख का अभी भी लॉस चल रहा है, हाँ सर। तो ये 3 लाख का लॉस कौन सेटअप करेगा? सैलरी कर सकता है, पीजीबीपी कर सकता है, पीजीबीपी मतलब नॉर्मल जो बिजनेस है। अब सैलरी और पीजीबीपी एडजस्ट करेगा मगर कितना मैक्सिमम कर सकता है, 3 लाख नहीं 2 लाख। अब आप ये सोचो कि 2 लाख अगर उन लोगों के पास है तो वो एडजस्ट हो सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो 3 लाख ही रहेगा। मगर 2 लाख अगर एडजस्ट होगी, हो भी गया तो 1 लाख अभी भी तो बच जा रहा है लॉसेस, तो वो लॉसेस कहां पर जाएगा? 8 साल कैरेट फॉरवर्ड होता रहेगा असेसमेंट ईयर के हिसाब से, यानी कि 8 साल तक वो लॉस को हम लोग पीछे पीछे लेके जा सकते हैं, यानी कि 8 साल तक वो लॉस के ऊपर हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मगर 8 साल के बाद भी अगर लॉस रह गया तो तुमको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा टैक्स, यानी कि यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट टाइम इफ हैविंग अ लॉस, ओके। बात समझ में आया? और अगर सर ये दोनों हेड भी नहीं है तो क्या करेंगे भाई? पूरा 3 लाख ही कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल तक, सॉरी पीजीबीपी का दो केस, पहला केस एंड दूसरा केस। पहला केस क्या था? स्पेकुलेटिव लॉस ओनली कैन सेट ऑफ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, यानी कि स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ ही वो सेटअप हो सकता है, दूसरे घर के साथ नहीं, ठीक है? कैन सेटअप स्पेकुलेटिव प्रॉफिट एंड डेफिनेटली इंटर हेड में दूसरा हेड के साथ तो बात ही नहीं होगा, वो तो उस टाइम पे भी दूसरा हेड के साथ बात भी नहीं होगा। यहाँ पर नो लिख दिया मगर यहाँ पर ओनली स्पेकुलेटिव ही होगा, यानी कि अगर वो लॉस रह भी गया, अगर मान लो कि स्पेकुलेटिव लॉस आया 2 लाख और उस साल में स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कुछ आया ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो कैरेट फॉरवर्ड हो गया, मतलब दूसरा हेड के साथ हो सकता है एडजस्ट। अब दूसरा हेड में भी जाएगा तब भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंटर हेड में ही अपना इंट्रा हेड में ही अपना घर के साथ करेगा, अपने ही हेड के साथ करेगा, सो डेफिनेटली दूसरा मतलब इंटर हेड में तो दूसरा घर के साथ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने ओनली स्पेकुलेटिव लिख दिया कि नील लिख दिया, नो सेक्शन 73 है। और ये कितना साल तक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं? 4 साल तक स्पेकुलेटिव लॉसेस 4 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस अगर लॉस जा रहा है तो सेट ऑफ हो सकता है नॉर्मल बिजनेस के साथ या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ, यानी कि स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है, दूसरा और कोई भी घर के साथ कोई भी हेड के साथ नहीं हो सकता। मगर नॉर्मल बिजनेस जो अच्छा बिजनेस है, गारमेंट्स टेलरिंग और कोई भी टेक्सटाइल बिजनेस, कोई भी बिजनेस, तो उसका लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि स्पेकुलेटिव लॉस खाली स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ, मगर स्पेकुलेटिव अगर प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो गया, तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट उसको एडजस्ट दे सकता है, एडजस्ट कर सकता है। मगर जब ये हो गया इंटर हेड का, मगर जब इंटर हेड का आएंगे तब हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के साथ हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी के साथ नहीं हो सकता, पहले भी बोले थे। सेक्शन क्या है? 72। कितना साल तक रख सकते हैं? 8 साल। कैपिटल गेन में भी दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म लॉस ओनली लॉन्ग टर्म गेन, मतलब ओनली का मतलब यहाँ पर ओनली कैन सेट अप लॉन्ग टर्म गेन, ठीक। और शॉर्ट टर्म लॉस दो केस में हो सकता है, लॉन्ग टर्म के साथ भी जा सकता है, शॉर्ट टर्म के साथ भी जा सकता है, दोनों के साथ ही जा सकता है। और जब इंटरनेट में आ जाएगा तब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी हो वो खाली सीजी के साथ ही हो सकता है और कोई नेट के साथ नहीं, ठीक है। इसका सेक्शन है 74, ठीक है। सेक्शन है 8,
साल है 8 साल। अदर सोर्सेस का एक ही है क्योंकि और तो बाकी कोई इनकम लॉस में नहीं हो सकता। तो हॉर्स रेसिंग का जो लॉस है ओनली हॉर्स रेस, ये इंट्रा हेड का बात कर रहे हैं। इंटर हेड में भी वही होगा। अगर देखो एक बात याद रखना, इंट्रा हेड में अगर वो अपना ही घर के साथ करता है, दूसरे वो घर का अगर दूसरा इनकम के साथ अगर वो मतलब इनकम है तब भी नहीं कर पा रहे, फिर से हम बोल रहे हैं, अगर इंट्रा हेड में कोई भी आइटम अपना ही घर के साथ करता है, दूसरा वही घर का दूसरा कोई इनकम के साथ नहीं कर सकता, तो ये ऑब्वियस है कि इंट्रा हेड में भी वो दूसरे के साथ नहीं कर सकता है। जस्ट अपना ही घर का कोई मेंबर घर में किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो खाली अपना ही तरह आदमी को ढूंढता है और शायद उसको नहीं मिलता है तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता। तो खाम वो बाहर में जाकर एडजस्ट हो सकता है किसी के साथ, सोच के देख लो। सो इंटरनेट में भी ओनली हॉर्स रेस सेक्शन है 74B और इसमें 4 साल। तो 4 साल दो केस में है, एक स्पेकुलेटिव लॉसेस और एक अदर सोर्सेस लॉसेस, ठीक है ना। तो ये पूरा रूल्स रेगुलेशन था सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का। ये हो गया सेटअप, ये हो गया इंटर हेड सेटअप, और ये हो गया ये अपना घर का सेटअप इंट्रा, और ये हो गया इंटर, और ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब इसमें दो और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि पीजीबीपी में और एक बात भी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो उसके बाद छुट्टी। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि अकाउंट्स में क्या होता है, इसको इरेज कर, इसको इरेज करके समझा, ठीक है। अकाउंट्स हम लोग को क्या सिखाता है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट मान लो कि 1 लाख आया, ठीक है, उसमें से तुमको डेप्रिसिएशन को लेस करना ही है क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब यू हैव टू चार्ज सच एक्सपेंस आफ्टर डिडक्टिंग द प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, ठीक। यानी कि जो भी तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है ना, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रोविजंस फॉर बैडेट हो गया, तो ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये तुमको चार्ज करके प्रॉफिट को निकालना है। अगर विदाउट वो सब चार्ज नहीं करके प्रॉफिट निकाले तो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रॉफिट नहीं होता है। ये हम लोग को बोलते हैं कि अकाउंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन, अच्छा हम ये चीज को ना दो केस में बोल रहे हैं, केस वन केस टू। प्रॉफिट आया मान लो कि 1 लाख दोनों केस में ही, और इसमें से हमको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में डेप्रिसिएशन है 60,000 और इस केस में डेप्रिसिएशन है 1,20,000, तो मेरा ये नेट नेट प्रॉफिट होगा इसमें 40,000 का, 1 लाख का प्रॉफिट था, 70,000 का खर्चा होगा, और इसमें नेट लॉस होगा 20,000 का। हाँ सर, ये अकाउंट्स बोल रहा है, मगर टैक्स कुछ अलग बात बोल रहा है। टैक्स क्या बोल रहा है, टैक्स बोल रहा है ये भी वन केस एंड दो नंबर केस, इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो कि 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख, डेप्रिसिएशन इसमें है 60,000 और इसमें हो गया 1,20,000, तो इसमें तो 40,000 का प्रॉफिट। ये दो केस में ही सेम है, प्रॉफिट होगा तो कोई केस में अलग नहीं है, प्रॉफिट सब जगह मोटा मोटी एक ही है, मगर इस केस में क्या होगा, इस केस में 0 होगा। नया बात है, मतलब इस केस में टैक्स क्या बोल रहा है, टैक्स बोल रहा है कि दिस नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मगर डेप्रिसिएशन को उतना ही तुम लेस करो जितना तुम्हारे पास प्रॉफिट एबिलिटी है,
अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है वो डिप्रिसिएशन को सेटअप करने के लिए, क्या डिप्रिसिएशन को लेस करने के लिए, तो उतना ही डिप्रिसिएशन तुम लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 1 लाख का प्रॉफिट है और 1,20,000 तुम्हारा डिप्रिसिएशन है, तो तुम कितना कर सकते हो एडजस्ट? 1 लाख। तो तुम्हारा बाकी 20,000 क्या हो गया? जीरो के केस में मतलब प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो ये जो 20,000 का कुछ तो बात है, ये 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये 20,000 को हम लोग बोलते हैं इस 20,000 को, मतलब हम ये 20,000 के बारे में बोल रहे हैं, ये 20,000 को हम लोग बोलते हैं अन एब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यानी कि जो डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब किया नहीं गया, एब्जॉर्ब मतलब होता है एडजस्ट नहीं किया गया, ये टैक्स का बात है, अकाउंट्स का बात नहीं बोल रहा, ठीक है ना। अकाउंट्स में कुछ अलग बात है, अकाउंट्स में नो प्रॉब्लम, तुम खर्चा जितना भी दिखाओ, लॉस होगा तो होगा, देखा जाएगा। मगर टैक्स बोल रहा है कि तुम खर्चा दिखाओ, प्रॉफिट भी दिखाओ, इनकम भी दिखाओ, मगर डेप्रिसिएशन का जो लॉस होगा, डेप्रिसिएशन का वजह से जो लॉस हो रहा है, वो लॉस तुम्हारा प्रॉफिट से ज्यादा ना हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट को जीरो माना जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा जो 20,000 बच गया, क्योंकि 1 लाख तो सेटअप हो गया, जीरो हो गया ना, तो बाकी तो 20,000 बच गया, तो वो 20,000 हम लोग बोलेंगे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और ये फिर से पीजीबीपी के साथ ही एडजस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस का बात है ये बिजनेस का ही पार्ट है, सही है ना। तो ये कौन सा सेक्शन से बोल रहा है? ये सेक्शन बोल रहा है 78, ये बात को याद रखना, ठीक है। कभी कभार अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा, तो अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो वो बच जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लाइक आप पीजीबी के जैसा, ठीक है, याद रखना। और ये जितना भी हम केस लिखाए थे थोड़ा सा नोट्स कर लेना, नेक्स्ट दिन से हम लोग इसके ऊपर सांस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।